अभी क्रेडिट पार्ट की जो रिपोर्ट है, कमेटी की जो रिपोर्ट है, अभी सौंपी तो नहीं गई है, लेकिन कुछ एक अहम जानकारियां ज़रूर मिल रही हैं। प्रकाश परदेशी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, उनके पास ये अहम जानकारियां हैं। प्रकाश से समझते हैं, प्रकाश जरा बताएंगे आप ये गैस को लेकर जो क्रेडिट पार्ट की कमेटी है वो क्या कह सकती है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने नेचुरल गैस प्राइसिंग के ऊपर जिस क्रेडिट पारिख कमेटी का गठन किया था, वो कमेटी इस बात की सिफारिश कर सकती है कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस के लिए जो सीलिंग प्राइस सीलिंग हो वो 6.5 to 7 डॉलर पर MMBTU हो। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ड्राफ्ट रिपोर्ट के हिसाब से कमेटी इस बात की भी सिफारिश कर सकती है कि जो सीलिंग प्राइस है उसमें हर साल 0.5 डॉलर पर MMBTU की बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ कमेटी इस बात की भी सिफारिश कर सकती है कि कीमतों के निर्धारण के लिए जो मौजूदा हब फार्मूला है उसको ख़त्म कर दिया जाए और इसके लिए क्रूड लिंक्ड मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाए और उसी आधार पे नेचुरल गैस की कीमतों का निर्धारण किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कमेटी अगले हफ्ते फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर सकती है सरकार को 30 नवंबर से पहले, और उसकी एक अहम बैठक अगले हफ्ते सोमवार को यानी कि 28 नवंबर को होने जा रही है, जिसमें कमेटी जो है अपने मेंबर से ड्राफ्ट रिपोर्ट पर फाइनल कमेंट्स मांगेगी। 15 नवंबर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप सकी क्योंकि जो नया फार्मूला है उस पर मेंबर्स के बीच में सहमति नहीं बन पाई। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बात की भी योजना है कि जो सीलिंग फार्मूला है कीमतों के ऊपर उसको फेज्ड मैनर में ख़त्म किया जाएगा और अगले 4 साल में डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमतों को मार्केट से लिंक कर दिया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कमेटी इस बात की भी सिफारिश करेगी कि सरकार को जल्द से जल्द नेचुरल गैस को GST के दायरे में लाने की ज़रूरत है और इसके प्रयास जो है वो शुरू करने चाहिए। साथ ही साथ जहां तक गैस एलोकेशन पॉलिसी का सवाल है, जब तक सीलिंग फार्मूला है कीमतों के ऊपर पॉलिसी को जारी रखा जाएगा और जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसको गैस एलोकेशन के मामले में प्रमुख जो वरीयता है वो मिलती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट खबर एक लाइन की है, 6.5 to 7 डॉलर्स का प्राइस, गैस प्राइस का प्रस्ताव दिया गया। मयूरेश है हमारे साथ। मयूरेश, GSPL इसलिए 10% चल रहा है, अगर ये इस तरह के आसपास प्राइसिंग आ जाती है और ये आधा डॉलर का हाइक एवरी ईयर, तो आपने कुछ देखे हैं क्या अर्ली नंबर्स, कौन से गैस स्टॉक्स को कैसा इम्पैक्ट आ सकता है? नहीं, डिटेल में तो नहीं देखे अजय जी, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा क्योंकि आई थिंक वो डायरेक्ट फ्लो थ्रू होता है एंड बिकॉज वॉल्यूम्स आर डायरेक्टली डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ हाउ द प्राइसिंग इज, जितनी कॉस्ट इम्पैक्ट होती है आई थिंक वो मिनिमलाइज हो जाती है और जो रिपोर्टेड एबिटा नंबर्स होते हैं पर SCM स्पेसिफिकली गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, आई थिंक दैट बिकम्स की बेंच मार्क। दूसरा आई थिंक जो दो की डेवलपमेंट्स हुए थे इन टर्म्स ऑफ रिकोगनाइजिंग लॉस ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर, ये शायद बैलेंस शीट पे लेके नहीं आ पा रहे थे एंड कहीं ना कहीं आई थिंक दैट शुड ऑल्सो बी बेनिफिशियल फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म स्टैंड पॉइंट। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो ये रिविजन भी है ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए ऑन अ एवरी ईयर बेसिस अपार्ट फ्रॉम दिस गैस प्राइस इंक्रीजेस दैट वी आर प्रॉबली सीइंग, आई थिंक एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि एक ऑटोमेटिक इनबिल्ट मैकेनिज्म बन जाता है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स एज वेल। तो आई थिंक ऑब्वियसली रिपोर्टेड नंबर्स पे एक वृद्धि जरूर होगी और इसलिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव है सारे सेक्टर। तो चलिए, गैस प्राइसिंग पर ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से और इस पर एक एनालिसिस, लेकिन टाटा